नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं किस्मत की बात संदीप कोचर के साथ। जी हां, हम हमारे साथ आज बैठे हुए हैं हमेशा की तरह हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर जी। नमस्कार। नमस्कार रिया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? वेरी गुड। आपने नीला पहना है, मैंने भी थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का पहना है। कहते हैं शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए या पहनना चाहिए, पता नहीं है मुझे, अभी तक समझ में नहीं आता। कोई कहता है पहनना चाहिए, कोई कहता है नहीं पहनना चाहिए। और वैसे भी शनि से बहुत लोग डरते हैं, क्यों ऐसा, खासतौर पर सारे साथी के वक्त? बिल्कुल, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, क्योंकि यू नो ये डर का ही बिजनेस है एंड आई थिंक लोगों को डरना भी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसकी वजह क्या है? शनि। शनि से किसको डरना चाहिए? जिस इंसान का ट्रैक ठीक नहीं है, बिकॉज शनि इज बैड फॉर बैड पीपल, बिकॉज शनि जो है वो जज है, न्यायाधीश है और आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो जिसका जैसा कर्म होगा वैसे ही उसको फल मिलने वाला है, यानी जैसे आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ये शनि के लिए डिक्टम जी। तो इसमें डरना किसे किसे है? जो काम ठीक नहीं कर रहा है जी। तो मेरे ख्याल से पहले आप खुद के कर्म को चेक करिए, यू नो आपकी कुंडली में शनि कहाँ प्लेस्ड है, वो नीच का है कि आठवें घर में है कि बारहवें घर में है कि कहाँ है, डिपेंड ऑन दैट, और उसकी दशा है कि नहीं, और आपके जो स्पिरिचुअलिटी है वो कितनी स्ट्रांग है। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर ही जाके आप बता सकते हैं कि सैटर्न इज गुड और बैड। लेकिन भले ही आपका शनि कहीं पे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर आप सही तरीके के आगे बढ़ेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो भी आराधना करेंगे, तो फिर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और शनि का जैसे आपने कलर बताया वो ब्लू भी है और ब्लैक भी है, और ऐसे में इंसान क्या है, ये नेगेटिविटी को भी रूल करता है। तो जितना इंसान स्ट्रेस ले लेता है वैसे भी वो अंधेरा ऊपर हावी हो जाता है। तो जिस भी इंसान की टेंडेंसी ही है स्ट्रेस लेने की, वो वैसे ही नेगेटिव है, वो वैसे ही स्ट्रेस आउट है, और शनि की साढ़े साथ ही आपने बता दी उसकी, तो फिर तो वो किसी लायक नहीं रहता। तो ऐसा मैं मुझे ही लगता है कि जस्ट चेंज योर माइंडसेट, एक अच्छे ज्योतिषी से आपको मिलकर अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी चाहिए और जानना चाहिए कि शनि कैसा है आपके लिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मुझे लगता है कि आपको डरना नहीं चाहिए, बिकॉज डर उसी को लगता है जो गलत ट्रैक पे होता है। तो व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन यू फील कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, मेरा ऊपर वाले पे यकीन है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ इन द राइट मैनर, खुद की सोच के वजह से नहीं, मतलब इन द राइट वे, और परिवार को आप सही समय दे रहे हैं, किसी को भी रुला नहीं रहे हैं, किसी का दिल दुखा नहीं रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कर्म को ठीक करिए, धर्म को ठीक करिए, सही राह पर चलिए, शनि आपको देंगे छप्पर फाड़ कर देंगे। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। 23 दिसंबर है तो पहले राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि, दैट इज एरीज, और जानते हैं वो क्या करे और क्या ना करे। बिल्कुल, एरीज के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू नो जब इन्होंने साढ़े साथी की बात करी तो शनि का ढैया भी होता है जो इंसान को परेशान करता है, ऐसा उसको लगता भी है, और जब पता चल जाए तो ज़्यादा लगता है। एरीज राशि के लिए खुशखबरी यही है कि आपका ढैया यानी ढाई साल का चल रहा था जिसकी वजह से कुछ डिलेज हो सकते थे, वो भी निकल गया है। तो अभी आपके पास कोई भी दूसरा रीज़न नहीं है बहाना बनाने का। तो आई थिंक दिस इज द टाइम यू नीड टू यू नो गेट रिड ऑफ एनीथिंग नेगेटिव इन योर माइंड एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर करियर, बिकॉज दिस इज अ टाइम जिसमें बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं इन द राइट वे। और मुझे लगता है कि दोस्तों से फायदा होगा, कनेक्शन से फायदा होगा, आज का दिन आपको लाभ ही लाभ देने की कोशिश करेगा। चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की तरफ जो है टॉरस, और जानते हैं आज क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं। टॉरस के लिए मुझे लगता है कि करियर की तरफ आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। कितना इंतजार हो जाता है, यू नो हम कई बार हम सुबह से शाम हो गई, ना जाने आज वो किस पे मेहरबान हो गई, यू नो किस्मत। तो मुझे लगता है कि अभी मेहरबान किस्मत आप पर होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ग्रह आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि उसने कहा कुछ और लगा कुछ और, तो वो वाला वक्त भी निकल गया है। तो कहीं भी कोई गिले शिकवे, कहीं भी कोई नेगेटिविटी, कहीं कुछ है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, थिंग्स आर सपोर्टिंग, कोशिश आप जरूर करिए, बिकॉज इवन राहु भी तीसरे घर में बैठकर कह रहा है कि जितनी कोशिश करेंगे आप उतना ही सक्सेस आपको मिलने वाला है। हमारी अगली राशि है मिथुन राशि, जेमिनी। जेमिनी के लिए आज का दिन आराधना का, साधना का, स्पिरिचुअलिटी का है, कनेक्ट का है। तो जितना आप फोकस बढ़ा लेंगे आई थिंक उतना आपके लिए अच्छा है। एनीथिंग टू रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि अथॉरिटी, पावर एंड रिकॉग्निशन आपका बढ़ रहा है। तो ऐसे में यू नो जिस पोस्ट का आप इंतजार कर रहे थे कि कुर्सी आपको कब मिलेगी और पता नहीं क्या होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आई थिंक वो शंका आपको अब नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं।
एक चीज जो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रही है, वो है आपका रिलेशनशिप। क्योंकि शनि और सूर्य का सातवें घर में ट्रांजिट होना एक अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी तकरार और दरार और दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ये दूरी को मिटाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। मैं समझ रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से, अगर आपको याद हो रही है, मैं कह रहा था कि कहा कुछ और लगा कुछ और, बिल्कुल ऐसा वाला वक्त चल रहा था, अभी वो वक्त भी गुजर चुका है। तो यानी आपने जो बात बोली और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जी। और मैंने मजाक में भी कहा था मिस के साथ, तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि उसको आप अमेंड कर लीजिए। तो फिर से कोशिश करिए, फिर से इनिशिएटिव लीजिए, चाहे ईमेल करिए, एसएमएस करिए, किसी भी तरह का कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करिए, ह्यूमर यूज करिए, तो जो भी रिश्तों में किसी भी तरह की कड़बड़ाहट या मैं कहूंगा उसे दरार अगर आ गई थी, तो वो आई थिंक आपके लिए ठीक हो जाएगी। हमारा अगला राशि है कैंसेरियन। कर्क राशि की शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा नेगेटिव जोन में है आप, और वैसे तो मैंने आपको हमेशा कहा, लेकिन आज खासकर इसलिए क्योंकि चांद 8वें घर में जा चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो कर्क राशि है कि वो अपने आप को बदल डालें, क्योंकि दुनिया नहीं बदलेगी, ये खाली बदलाव आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का जी, ये एक शेर लिखा था एक चांद ने कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। और ये शायर कौन है? मैं अपने ही सुनाता हूँ पड़ोसी भी काम नहीं आते रिया, तो मुझे खुद लिखना पड़ता है। तो एनीवेज, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और पड़ोसी से याद आया कि आप भी अपने नेबर्स, अपने कलीग्स, जो भी एनवायरनमेंट में आप, उनसे अच्छे संबंध बनाइए। बिकॉज आपकी सोच ऐसी है, आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है सितारों का असर है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बेअसर हो रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन मोड बढ़ा लें, थोड़ा सा दोस्ताना रवैया बढ़ा लें, थोड़ी सी नेटवर्किंग को बढ़ाने की कोशिश करें, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव और हैप्पी हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोशिश ना करें। हाँ, हेल्थ पे आपको थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत है, बिकॉज एज ए से प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। बिल्कुल। हमारा अगला राशि है सिंह राशि, दैट इज लियो। देखिए, इसमें बात हमारा या हमारी की नहीं है, इसमें बात हम सबकी है। क्योंकि क्या हो रहा था कि पिछले 1.5 साल से, जैसे मैंने कहा कि सिंह राशि के ऊपर से राहु का ट्रांजिशन जा रहा था, अगर कोई परेशान था इस धरती के ऊपर, वो सब के सब सिंह राशि के लोग थे। लेकिन वो याद रखकर अब क्या आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो रात गई, बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो भी आप समझ लीजिए। इट इज अ न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी। शनि का ढैया भी आपका चल रहा था सिंह राशि का और मेष राशि का, तो सिंह राशि भी आजाद हो चुका है, तो कहीं पे कोई टेंशन ही नहीं। तो फिर आप क्यों वो बंधन और बेड़ियों में झगड़े हुए हैं? वो सारी बेड़ियां आपकी खुद के माइंड की हैं, तो उससे आपको कट ऑफ करके अपनी जिंदगी में एक नए थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से आज का दिन आपका, वाकई लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, दे विल लुक अप टू यू फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। तो दूसरों को एडवाइस करते रहिए, बिकॉज बृहस्पति इज वेरी स्ट्रांगली प्लेस इन योर थर्ड हाउस, क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपके जो भी सराउंडिंग है उनके साथ अगर आप जुड़ जाएंगे एक दोस्त की तरह, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगली राशि है कन्या राशि। बिल्कुल, कन्या है तो नाम ही उसका कन्या है, आप भी कन्या है रिया, और मेरे ख्याल से ये वो कन्या है जो सबसे इंटेलिजेंट कन्या है। यानी अगर इस धरती पर जो द पीपल हु आर सपोज टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, दे आर वर्गोस। तो गुड फॉर देयर प्रोफेशन बट बैड फॉर देयर मेंटल पीस। एंड व्हाई सो? बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू कीप ऑन थिंकिंग, ओवरथिंकिंग। यस, तो अगर आप सोचते रहते हैं, एनीथिंग इफ यू आर डूइंग इट ओवरबोर्ड, तो वो भी रॉन्ग है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, सोचना चाहिए, फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान, वेरी गुड। बट इफ यू आर ओवर डूइंग इट, जब आपका माइंड चलता चला जा रहा है कि आप सो रहे हैं कि सोच रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेस बढ़ा देगा और आपका देन यू विल फील कंफ्यूज, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर बात आपको बहुत हैवी लगेगी और फिर आप रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक अभी आपको इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, ये एक बहुत अच्छी एडवाइस मैं आपको कर रहा हूँ। दूसरा बदलाव, अगर आपको याद हो, मैं बार बार आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वक्त है परिवर्तन का। क्योंकि मैंने ये तो कहा कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का ढैया, मेष और उसका सिंह राशि का खत्म हो गया, लेकिन कन्या राशि का ढैया शुरू हो चुका है। तो ढैया में क्या होता है जिससे लोग डरते हैं? व्हेनेवर सैटर्न जैसा बड़ा प्लैनेट आपके केंद्र में आता है, चौथे घर में आ गया है, जिसकी वजह से हम उसको ढैया कहते हैं, तो वो कुछ चेंज कराएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये नियम अब कन्या राशि के ऊपर लग चुका है। तो मेरे ख्याल से गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जब भी कुछ हुआ, जब भी किसी का वक्त बदला, यकीन मानिए उसके पीछे कुछ अच्छाई छुपी थी। और एक लाइन तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई, अगर गांव में बाढ़ नहीं आती तो आप शहर में नहीं जाते, यानी वक्त आ गया है शहर में जाने का।
टर्टनिंग। और यहाँ पे हमारा भी वक्त आया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, पर भूलिएगा नहीं हमारे फेसबुक पेज किस्मत की बात संदीप कोचर के साथ को लाइक कीजिएगा और कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको फेसबुक पेज के बारे में याद तो दिलाया था, वापस याद दिला देते हैं कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अपने सुझाव और कोई भी समस्या हो तो हमें भेज दीजिएगा। आपको क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। कितने हमारे दोस्त थे स्कूल में, यू नो, जिनको हम भूल चुके थे, कभी कभी कोई याद आता था। मुझे किसी ने साइकिल चलाना सिखाई थी, यू नो, एक छोटी सी लड़की थी, मैं भी छोटा था तब, और वो मैंने कहा पता नहीं वो कहाँ गई, यू नो, एक एक जिंदगी की एक ऐसी मेमोरी, क्योंकि कोई आपको साइकिल चलाना जैसे सिखाया, यू विल नॉट बिलीव, मे बी आफ्टर 25 ईयर्स मैं उसे फेसबुक पर मिला। तो ये जो कनेक्ट इज सो ब्यूटीफुल, आपको पता चला उसकी शादी हो गई, उसके कितने बच्चे हैं, यू नो, तो यू फील गुड अबाउट इट, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई भी। एंड ये जो रिश्ते होते हैं बहुत प्योर होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे मन में ख्यालात हैं, कुछ ऐसी आपकी समस्याएं हैं और आप चाहते हैं कि उसको कैसे उससे डील किया जाए, कैसे बाहर निकला जाए, तो जैसे रिया ने बताया, आप फेसबुक पेज पे जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और आने वाले एपिसोड में हम उसके सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलते हैं हमारी तुला राशि की तरफ। तुला राशि, जैसे आपने कहा, तुला राशि की साढ़े साथी खत्म हो चुकी है, तो ये खुशखबरी है उनके लिए। 7.5 साल से जूझ रहे थे एक्चुअली, और जूझ इसलिए भी रहे थे क्योंकि ज्योतिषी ने बता दिया था भाई साहब आपकी साढ़े साथी चल रही है, और जिस दिन से पता चला उस दिन से स्ट्रेस और बढ़ गया। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको वैसे भी बता दूं तुला राशि का वैसे भी शनि से कोई कुछ है ही नहीं नेगेटिव, क्योंकि अगर कहीं पर शनि उचका होता है वो तुला राशि के ऊपर होता है, तो शनि के लिए सबसे खूबसूरत राशि ही तुला राशि है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है खिड़की और दरवाजे खोल डालिए, क्योंकि दिस इज अ टाइम ऑफ ए न्यू बिगिनिंग एंड ए न्यू जर्नी ऑन योर लाइफ। तो जो भी आप प्लान कर रहे थे, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उसका वक्त आ चुका है। हाँ, आज का दिन खास ऐसे हो सकता है कि आपकी किसी से मुलाकात हो जाए, जिसको आप चाहते थे उससे बात हो जाए, लेकिन कहिएगा जरूर, क्योंकि कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अगली राशि वृषभ राशि, विच इज स्कॉर्पियन। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का है, तो चलो नेवर माइंड, कभी कभी इंसान सोचता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा है वो ठीक है कि नहीं। इसमें मुझे दो लाइन याद आ गई रे आपने की, पहचान लिया है मैंने मंजिल का पता। हाँ। पहचान लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचानेगी इसका पता नहीं। तो समटाइम यू हैव नो क्लू, यू नो, वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, इट इज गुड फॉर नथिंग। यस, तो आज का दिन अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया, अपनी खुद की जर्नी को या खुद की प्लानिंग को रीप्लान कर रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड आइडिया। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि बुध वृश्चिक राशि के ऊपर से चल रहा था, वो भी वक्री, जो सोचा वो गलत, जो कहा वो गलत, जो समझा वो भी गलत। तो वक्त आ गया है सब कुछ सही करने का, उसके लिए एफर्ट करिए, बाकी कहीं भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली राशि धनु राशि, विच इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस के लिए जान पहचान, मुलाकात और फिर आपकी जर्नी, तो जिंदगी भी एक यात्रा है, लेकिन ये वो यात्रा है जो आपके बहुत सारे एस्पेक्ट को बदल भी देगी। और मुझे भी लगता है कि इंसान को ट्रैवल करता रहना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं आपकी मुलाकात होती है, आपकी जान पहचान होती है, कई बार आपके फ्लाइट में आपके बगल में कोई बैठा है, उससे आपकी ऐसी डील हो गई कि आपका वो बिजनेस पार्टनर बन गया। एग्जैक्टली, कभी कभी लाइफ पार्टनर बनते हुए मैंने देखा हुआ है। Really? और कभी, हाँ, कभी कभी लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से, वो अलग बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, यू नो, यू हैव नो क्लू कि आप जो चले हैं, आपकी जो यात्रा है वो आपको कहां तक लेके जाएगी। जी, ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, पर ये मुझे पता है मेरी मंजिल है किधर। तो मेरे ख्याल से निकल पड़िए, क्योंकि अब आपकी निकल पड़ी। अगली राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। अगर मगर किए बगैर अगर आप थोड़ा सा अपने प्लान को रीप्लान करें, और स्पेशली मैं बजट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि खर्चे बेहिसाब हो गए हैं, और जब तक शुक्र आपके बार में घर में रहेगा ये बात मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि वो बात आपको बार बार उकसाएगा कि कुछ भैया मजे करते हैं जिंदगी के, या कुछ स्पेंड करते हैं मनी, मे बी इन पार्टी, मे बी इन सम अदर थिंग्स। तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल वे में करें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पर किसी पे भरोसा करने वाले काम ना करें, स्पेशली थिंग्स रिलेटेड टू फाइनेंसेस या पेपर वर्क, किसी भी तरह की साइन आपको नहीं करनी है जहाँ पे आपको पूरा यकीन ना हो कि जहाँ आप साइन कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
यू नो। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिस अ टाइम के रियल स्टेट से आपको फायदा होगा, तो आई थिंक अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं कोशिश करिए, बिकॉज दिस इज अ राइट टाइम। अगली राशि कुंभ राशि, दैट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, और मेरे ख्याल से वक्त आपके साथ है, कायनात आपके साथ है, चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शनि आपके ग्यारहवें घर में चल रहा है, द हाउस ऑफ गेंस, बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सूर्य भी वहाँ पे विराजमान हो गए हैं और ये अभी रहेंगे अगले तीन हफ्ते तक। तो कम से कम अगले आने वाले तीन हफ्ते तक आपको किसी भी डिस्प्यूट या लिटिगेशन या कोई गवर्नमेंट चीज़ों से बच के रहना है, जैसे टैक्सेशन हो गया या कोई पेपर वर्क है उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। मर्क्यूरी आपके टेंथ हाउस में चल रहा है, बुध ग्रह जो है वो वाणी को रूल करता है, हमारी नेटवर्किंग को रूल करता है, तो जो लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं या फाइनेंस में हैं या मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, बैंकिंग में हैं, राइटिंग में हैं, तो जितना काम मर्क्यूरी का है वो लोग अगर उसको प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत दौर चल रहा है। मुझे लगता है अपनी चीज़ों को प्लान करते रहिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट टाइम फॉर यू। अगली राशि मीन राशि पाइसिन। पाइसिन के लिए खूबसूरत है पल आपके और दिन भी खूबसूरत जाएगा आपका, और एक जो मैंने आपसे बताया था कि इंतजार खत्म हुआ आपका, और स्पेशली थिंग्स रिलेटेड टू ओवरसीज, तो वहाँ पे आपको ज़रूर कोई ना कोई खबर आ जाएगी, ईमेल आ जाएगा या कोई फ़ोन कॉल कर देगा, तो आपकी ट्रैवलिंग की तैयारी हो रही है बाहर जाने की, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थॉट। अब थॉट इसलिए मैंने गुड बोला है क्योंकि जब मैंने जैसे कहा हम लोग बात भी कर रहे थे ट्रैवलिंग की, तो आप शहर में चले गए पड़ोस वाले, तो उसमें उतना आपको ना तो हवा बदला, ना मौसम बदला, ना लोग बदले। व्हेन यू ट्रैवल ओवरसीज तो वहाँ पे क्या है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट वेदर है इवन, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो जब बदलती है फ्रॉम फ्लाइट फ्रॉम दिस एयरपोर्ट टू नेक्स्ट एयरपोर्ट एंड देन फ्रॉम कैब टू विच एवर होटल एंड विच एवर पीपल यू आर मीटिंग, तो इट इज़ अ डिफरेंट माइंड सेट टोटली, तो इसलिए इवन आई लव ट्रैवलिंग, सो व्हेन यू ट्रैवल यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तो मुझे लगता है, और वैसे भी पाइसन की सबसे बड़ी तारीफ यही है कि ये मछली है जो निकल पड़ती है बिना वक्त को देखे, फिसलती भी बहुत है, फिसलती है लेकिन फंसती नहीं है। फिसलने से मुझे याद आया कि खाली एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अच्छा हुआ वो आपने पॉइंट रेज कर दिया, एक्सपेंसेस में आप फिसल सकते हैं, तो यहाँ पे ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, यू नो जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा और बेस्ट होटल है वहीं पे आप बुकिंग कराएं, यू नो लिव इन ए नॉर्मल प्लेस, बिकॉज प्लेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट यू नो दैट रूम विच यू आर लुकिंग फॉर एंड स्पेंडिंग मनी इन दैट, क्योंकि आप गए हैं बाहर घूमने के लिए ना कि वहाँ पे रहने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि जिंदगी आपकी बदलने वाली है, एक खूबसूरत दौर आपका शुरू हो चुका है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं आई नो दैट, तो जस्ट हैव पेशेंस। चलिए ये थी आज की बात, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अंटिल देन मेरी तरफ से और संदीप जी की तरफ से आप सबको नमस्कार।